दिस इज कौशिक सचदे कमिंग फ्रॉम नवी मुंबई. ये कौशिक सचदे नवी मुंबई से आते हैं. ही हैड सम पर्सनल फाइनेंशियल कमिटमेंट्स फॉर व्हिच ही फेस्ड मेनी चैलेंजेस इन द लास्ट 2 months. उनकी कुछ व्यक्तिगत वित्तीय प्रतिबंधताएं थी जिसके लिए उन्हें पिछले 2 महीने से कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था. ही अटेंडेड द पार्टनर्स मीटिंग ऑन 20th February 2023. 28 फरवरी 2023 को पार्टनर्स मीटिंग में इन्होंने भाग लिया था. Where Pastor Michael, while laying hands on him, said that money is flowing like a river, breaking every block. जहां पास्टर माइकल ने इनके ऊपर हाथ रखते हुए प्रार्थना की कि पैसा नदी की तरह बह रहा है और हर एक ब्लॉक को तोड़ रहा है. He received this in faith. इन्होंने विश्वास से ग्रहण किया. He says that he had to pay finances by 31st March 2023. वो कहते हैं कि 31 मार्च 2023 तक एक कुछ राशि का भुगतान करना था. And hence decided to opt for a bank loan. और इसलिए इन्हें बैंक ऋण का विकल्प चुना. However, due to some reason he couldn't take the loan. लेकिन कुछ कारणों की वजह से उन्हें ऋण नहीं मिल सका. In this period, he and his wife kept meditating the words spoken by Pastor Michael. इस अवधि के दौरान वो और उनकी पत्नी पास्टर माइकल द्वारा बोले गए वचन का ध्यान करते रहे. He says that one day while cleaning the cupboard, he found his dad's investment. वो कहते हैं कि एक दिन अलमारी की साफ सफाई करते वक्त उन्हें अपने पिता का निवेश मिला. Which he had completely forgotten. जिसके बारे में ये पूरी तरीके से भूल चुके थे. He submitted those investment documents and is here to testify. वो उस निवेश का दस्तावेजों को प्रस्तुत किया और वो गवाही देने आए हैं. That he received a confirmation for the amount more than expected. अपेक्षा से अधिक राशि के लिए एक पुष्टि प्राप्त हुई है. And was able to clear the finances that were to be done urgently by 31st March 2023. 31 मार्च 2023 तक जो तत्काल में राशि को पेश करना था उसमें भी वो सक्षम रहे. So he gives all glory to God. वो सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं.